हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग स्लम्प टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लम्प के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्लम्प होता है क्या है। स्लम्प टेस्ट से हम लोग वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं दोस्तों, किस चीज़ का, वर्केबिलिटी ऑफ दी कंक्रीट। तो जो हमारे पास कंक्रीट आया हुआ है, जो हमने परचेस किया है, जो साइट पर आया हुआ है, उसका वर्केबिलिटी कितना है, और अगर इतना है तो कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास, मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर स्लम टेस्ट होता है क्या, एक्चुअली बकेट की तरह होता है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसको बकेट को उठाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कितना सेंटीमीटर की गैपिंग आई, मतलब कि कितना एमएम की गैपिंग आई, वो चेक करते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये मटेरियल किस जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 25 to 75 के बीच में अगर वो वैल्यू वेरी कर रही है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग पेमेंट्स में, सेलो सेक्शंस में, लाइक जैसे कि रोड वर्क्स में, ऐसे जगहों पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कब, जब उसका वैल्यू जो है वो एमएम में रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर 25 to 75 पेमेंट्स वगैरह में, आप बोलोगे सर अगर 25 के नीचे है तो बहुत लो होता है, तो उसको बोलते हैं वेरी लो। वो जो 25 के जो नीचे होता है दोस्तों, उसको हम लोग सेलो सेक्शन, जो लाइक पीसीसी वर्क्स, जिसमें कोई नॉर्मल लोड आने वाला है, ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, ऐसे जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, 25 के बिलो द 25, जिसको हम लोग वेरी लो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो 25 to 75, तो उसको पेमेंट्स, रोड वर्क्स, ऐसे जगहों पे यूज कर सकते हो। अगर उसका वैल्यू जो अगर वेरी करे 50 to 100, ये इसको बोलते हैं मीडियम स्लम। तो मीडियम जो होता है ये अच्छा होता है, तो इसको हम लोग स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए, ऐसे जगहों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इवन सियर वॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर उसका वैल्यू जो है वो 100 to 150 पंप वर्क में, जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि लाइक पाइलिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई ग्रेड का, तो इसको बोलते हैं हाइस। ठीक है, तो ये हाई ग्रेड का है, तो इसको हम लोग ऐसे जगहों पे यूज कर सकते हैं, वाटर स्ट्रक्चर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइक जो होता है कि 150 के ऊपर अगर आ गया तो क्या होगा, उसको वेरी हाइस बोलते हैं। जो वेरी हाइस होता है, वेरी हाइस को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ग्रिलेज फाउंडेशन में, यूज कर सकते हैं अपने ओपन वेल फाउंडेशन में, यूज कर सकते हैं, वो बहुत हाई ग्रेड का होता है, बट उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। रिजल्ट आपको जहां तक है, इतने के बीच में ही मैक्सिमम मिलने की चांसेस है, लेकिन जो नॉर्मल आप साइट पे यूज करेंगे 50 टू 100 के बीच में वेरी करेगा। अब याद रखना है कि जब हम लोग स्लम्प टेस्ट करते हैं दोस्तों, तो उसको 3 बार करना चाहिए, कम से कम 3 times। Why 3 times? Because जो आपका बॉक्स है, जो ट्रक है जिससे आया हुआ है मटेरियल, उसमें आगे हो सकता है उन्होंने अच्छा मटेरियल दिया हो, बीच में उनका मटेरियल खराब हो, और लास्ट में मटेरियल और भी ज्यादा खराब हो। अच्छा होगा जैसे ही ओपन होता है उसका गेट, आप स्टार्टिंग स्लम चेक कर लो उसमें क्या कंडीशन है, उसके बाद मीडियम लाइक मिडिल में जब मटेरियल आधा निकल जाए फिर चेक कर लो, और फिर लास्ट चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल अच्छा है कि नहीं, जिस ग्रेड का बोला गया था उस ग्रेड का है कि नहीं, आप तुरंत यहां से पता कर सकते हो। अब बात करेंगे थोड़ा डीप में कि इसकी बकेट कितने साइज की होती है और कैसे होती है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे स्लम टेस्ट में कितने, किस कौन सी चीज़ के कितने साइजेस होते हैं, लाइक स्लम का जो बकेट होता है उसका साइज क्या होता है। दोस्तों, मैंने अभी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि आप अगर कमेंट करोगे तो हम लोग आपको एक स्लम टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्लम का बकेट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसकी जो साइज होती है दोस्तों, ये कितनी होती है, ये होती है 300 mm। ठीक है, ये कितनी होती है, ये होती है 200 mm। ओके, और ये होती है 100 mm। कुछ लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा 10, 20, 30, वो क्या था, वो सेंटीमीटर में था, तो ये 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो स्लम के जो टेस्ट होते हैं, अभी स्लम के जो साइज होता है। अब इसके बाद अगर बात करें तो इनके 4 types हैं दोस्तों, कौन कौन से 4 types हैं ये देखिए। तो अगर हम लोग 4 types की बात करें तो जो पहला टाइप है, सबसे पहला ट्रू स्लम टेस्ट, दूसरा जो टाइप होता है ये होता है सीयर स्लम टेस्ट, SHEAR slump test, तीसरा जो दोस्तों टाइप होता है कोलैप्स स्लम टेस्ट, चौथा जो टाइप है, बहुत कम लोगों को चौथा टाइप पता होता है, मैं बता दूं, अगर आपने बुक्स में पढ़ी होंगी तो बुक्स में क्या देखा, बुक्स में क्या होते हैं, मैक्सिमम 3 type ही डिस्कस होते हैं, बट इसके 4 type हैं, हमें इसे याद रखना। तो चौथा कौन सा है, 0 slump test। ये आइडियल कंडीशन होती है इसलिए जल्दी मिलती नहीं है,
तो इसको आइडियल कंडीशन बोल सकते हो, लेकिन ये भी एक टेस्ट है जिसको आप अगर चाहो तो इसका जो मेन आईएस कोड है स्लम लेके स्लम टेस्ट का 1199 है। अगर आपको डीप में जाके पढ़ना है तो उसमें जाके पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। चलिए मैं इसको अगर एक एक करके मैं बताऊँ इसमें डायग्राम कैसे दिखता है, इसमें कैसे होता है और इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रू से, फिर सीयर, फिर स्लम, फिर कोलैप्स, ऐसा। तो सबसे पहला जो है वो है कौन सा है, सीयर स्लम ट्रू स्लम टेस्ट। तो ट्रू में ऐसा होता है कुछ इस तरीके से ये जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है इस तरीके से, ये क्या है ट्रू स्लम टेस्ट है, ठीक है, ये ट्रू होता है और ये आइडियल कंडीशन में आता है और बहुत अच्छा रहता है इसमें वर्केबिलिटी। तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, ट्रू स्लम टेस्ट। चलिए दूसरा देखते हैं, सीयर स्लम टेस्ट क्या होता है। कुछ इस तरीके से होता है, इसकी ये जो यहाँ पे जो स्पेस है इस कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीयर स्लम टेस्ट बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। चलो हम लोग आगे चलते हैं कोलैप्स स्लम टेस्ट में। तो कोलैप्स स्लम टेस्ट जो होता है, अब वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, उसके बाद आगे चल देना। कोलैप्स स्लम टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग कोलैप्स नाम से ही पता चल रहा है पूरा स्लम टेस्ट खराब रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलैप्स स्लम टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलैप्स स्लम टेस्ट। अब बात करेंगे जो लास्ट वाला है जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो। तो जीरो में क्या होता है, जैसा मैंने बोला कि जीरो आइडियल कंडीशन होता है जो देखने को कम मिलेगा आपको, जिसमें हम लोग के पास नो चेंज रहता है। नो चेंज मतलब जैसे बकेट है एकदम निकालोगे वैसे के वैसे ही आपका स्लम निकले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो स्लम टेस्ट बोलते हैं। तो ये कुछ स्लम टेस्ट थे जिनको चेक करके हम लोग वर्केबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था, जो मेरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू था उसमें कमेंट किया, सर आप स्लम के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, तो हमने ये किया। आपको भी अगर कोई सी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया हुआ है ऑलरेडी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर उस पर वीडियोज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो कि सर मुझे इस टॉपिक वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे थोड़ा सा समय लग के लेकिन ज़रूर आप तक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए संपर्क करना है, लाइक स्टैट प्रो आपको फुल कोर्स चाहिए, ईटैट फुल कोर्स चाहिए, या udemy.com पे कोर्सेज चाहिए, उसके लिए भी आप मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप चेक कर सकते हो, कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।